सब्सक्राइब बटन को दबाकर जर्नलिज्म गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, केबल टीवी सर्विसेज के बाद पहला प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर को शुरू करने के लिए जी नेटवर्क ने अपनी पहली प्राइवेट डीटीएच सर्विस शुरू की। दोस्तों, ये एक ऐसी पहली सर्विस थी जो डीटीएच के लिए शुरू की गई थी और जिसे इन्होंने 2 अक्टूबर साल 2003 को शुरू किया। शुरू करने के साथ डिश टीवी जो था, एक पहला से डीटीएच जो था वो मार्केट में उभर के आया। दोस्तों, इस सर्विसेज को उनको शुरू करने के लिए एमपैक 2 टेक्नोलॉजी को ख़रीदा और इससे उन्होंने अपने सेटअप बॉक्सेस को लोगों के घरों में देना शुरू कर दिया। डिश टीवी के सीईओ ने सर्विस तो डिश टीवी की शुरू कर दी, लेकिन उन्हें इस बात की परेशानी सताई जा रही थी कि अब हमें ब्रॉडकास्टर जो था वो कोई चैनल देने से राजी नहीं था, जिसमें सबसे पहला जो था वो स्टार इंडिया था, जिसने साफ तौर पर अपने चैनल्स को डिश टीवी के डीटीएच प्लेटफॉर्म में देने से मना कर दिया। इससे सीईओ जो थे वह निराश हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस में इसके लिए हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के साथ इसमें शुरुआती दिनों में अपने डीटीएच चैनल जो थे उसमें केवल 48 चैनल्स यानी केवल 48 चैनल्स को ऐड करके अपने बिजनेस को साल 2003 से शुरू किया। और दोस्तों, उस वक्त इनके पास केवल 4 ट्रांसपोंडर थे जिससे वे NSS 6 से खरीद सकते थे, इसलिए चैनल जो थे वो कम थे। लेकिन लोगों का प्यार उनको काफ़ी मिला। केबल टीवी के बाद प्राइवेट डीटीएच के लोगों ने चुनाव काफ़ी किया और इसके साथ डिश टीवी जो था मार्केट में उभरने लगा। और साल 2007 के आते आते स्टार इंडिया और जी ने एक दूसरे से हाथ मिला लिए। इससे जो था डिश टीवी के जो रिलेशंस थे वो और ग्रो हो गए और इससे रिलेशन के साथ डिश टीवी जो था उसने अपने डीटीएच प्लेटफॉर्म में स्टार इंडिया के जितने भी चैनल्स थे उन्हें धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर दिया। लेकिन सीईओ फिर भी परेशान रहने लगे क्योंकि HD मार्केट उभर के आ रही थी और HD मार्केट को शुरू करना ज़रूरी था, इसलिए डिश टीवी ने अपने मार्केट में आने के लिए 4 अन्य ट्रांसपोंडर को ASAT 5 सेटेलाइट से खरीद लिया ताकि वह नए नए हाई डेफिनेशन चैनल्स को अपने DTH प्लेटफॉर्म में दे सकें। इसी के साथ दोस्तों, साल 2013 तक डिश टीवी मार्केट का लीडर HD DTH बन गया, जिसमें 23 HD चैनल्स अवेलेबल थे। और इसके लिए इन्होंने 2 सेटेलाइट को यूज़ करने के लिए मोनोब्लॉक LNB का इस्तेमाल किया। और इसके बाद साल 2016 तक डिश टीवी जो था उसने अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव किया और एमपैक 4 में मूव करना शुरू कर दिया ताकि अधिक से अधिक वह अपने DTH प्लेटफॉर्म में चैनल्स जो है वो दे सकें। इसके लिए दोस्तों, डिश टीवी जो था वो मार्केट में एक लीडर DTH बन गया और एशियाज़ नंबर 1 ब्रांड बन गया। इसी के साथ दोस्तों, साल 2018 के जनवरी तक डिश टीवी के पास केवल 500 से अधिक चैनल स्टैंडर्ड में हैं और इन्हीं के साथ टोटल मिलाकर 68 HD यानी 68 HD चैनल्स वह प्रोवाइड करता है। डिश टीवी के जो CEOs थे वह एक ऐसे CEOs हैं जिन्होंने डिश टीवी को ग्रो करने के लिए बहुत मदद की। सबसे पहले दोस्तों जो थे वह हमारे थे डिश टीवी के CEO RC वेंकटेश। ये ऐसे CEO थे जिन्होंने काफ़ी ग्रो अप किया बिजनेस को। और दूसरे CEO जो थे वह थे हमारे जवाहर गोयल, इन्होंने भी डिश टीवी को बिजनेस को काफ़ी ग्रो अप करने के लिए मदद की। और दोस्तों, आज के वक्त में डिश टीवी और वीडियोकॉन D2H जो था वो एक हो गए हैं ताकि बिजनेस को अच्छे से अधिक चला सकें, जो कि अभी भी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।